नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी कवरेज, और यहाँ पर जो मेगा आई कैंप फ्री में लगाया जा रहा है, उसमें जो लोग पहुँचे हैं उनसे बातचीत करके जानते हैं कि कैसा लगा इनको जो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये कैंप लगाया गया है, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ लोगों को मिल रही है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नमस्ते मैम, जसविंदर कौर। कहाँ से आए मैम? रामपुरा फूल से। पंजाब से आए हो? पंजाब से आए। मैम कैसा लग रहा है आपको ये डेरा सच्चा सौदा का आई कैंप? बहुत वधिया लग रहा है, फ्री कैंप लगता है। आई कैंप तो असी होने 3वां कैंप है। कितने सालों से इस कैंप को अटेंड कर रहे हो? बचपन से आ रहे हैं हम। बचपन से आ रहे हैं। मैम लोगों को क्या क्या सुविधा यहाँ पर इस कैंप में दी जाती है? सारे कासे का कैंप फ्री लगता है, जिमें बच्चे गरीबों की पढ़ाई लीड़े कपड़े का हो गया, उन्होंने रहन सहन का, जे किस जिमें किसी का भी घर बार भी चलाने वास्ते भी सारा डेरे वालों दिता जाता है। मैम आप आश्रम में यहाँ पर रात को भी यहाँ पर रुके हुए? हाँ दीदी, हम हफ्ता हफ्ता भी लगा देते हैं। माहौल कैसा लगता है लड़कियों की सुरक्षा के लिए? बहुत अच्छा है माहौल, जिमें लोग कह देंगे इदा गा भैनों का भी अड्डा गा, भाइयों का भी रहने वाला अड्डा गा। दीदी आपका क्या मानना है मैडम यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कैसा माहौल है आश्रम? सुरक्षित है, यहाँ पे हैं तो सुरक्षित हैं। इतना सुरक्षित तो घर पे नहीं होते जितना यहाँ पे महसूस करते हैं सुरक्षित। आप कहाँ से आए हो? पंजाब से? पंजाब से। एक गाँव से आए हो मैम? नहीं, शहर से, रामपुरा फूल से। मैम आजकल हम देखते हैं कि बेटियों को बाहर नहीं भेजा जाता, तो आप लोगों को आपके माँ बाप भेज देते हैं? जी बिल्कुल, विश्वास है उनको, भेजते हैं हमें सेवा के लिए। धर्म पत्नी पीलू खेड़ा से। और क्या क्या काम संत जी ने समाज के लिए किए हैं? बहुत कार्य किए हैं पिता जी ने, तो लोगों की भलाई लिए, पर जेड़े हैगे विच कही जाते, पर असी तो मानते नहीं उन्हें, बचपन तो आने है। अगला कहता फोटो लाती हैं पर कुछ नहीं, असी तो दो सरूप आबादी लाए हैं। जरूरत है मैम संत जी की समाज को? हाँ जी बहुत जरूरत है, असं तो सरकार में यही कहने भी साढ़े पिता जी ने गुरु जी ने जल्दी तो जल्दी बड़ी कर दें। जो एलिगेशन जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए उसके बारे में क्या मानना है? वो बहुत गलत लगाए गए हैं दीदी, असं भी थोड़े सामने आ जाने गए, कले भी आ जाने गए, नाल दे भी आ जाते हैं, सानू किसी के नाल भी भेजते, पर असं बहुत वधिया महसूस कर देंगे इतने। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हमारे साथ जो कैंप में लोग आए हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका मानना है कि बिल्कुल मुफ्त में डेरा सच्चा सौदा के द्वारा लोगों को आंखों की रोशनी दी जा रही है। जो पिछले 30 सालों से ये काम हो रहा है, लाखों लोगों को आज तक डेरा सच्चा सौदा आंखों की रोशनी दे चुका है। ये है असली सच डेरा सच्चा सौदा का, जो सीधी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोग भी सोचिए आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।